आप लोग बोल रहे हैं, अगर बैठ करके पूरी बात सुन लीजिएगा तब आपको ठीक लगेगा। आइए जो सुनिए, सुनिए किया कौन? अरे हमको सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी ना सारे पार्टियों को, आप लोग भी जब साथ थे, ये भी सब सबको लोगों को बुला करके हम जो बैठक किए थे और बातचीत करके हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरे जाति जनगणना का जनगणना कराया और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली। सुनिए, ए बोलने दीजिए भाई, तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। अरे सुनिए, अरे आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, आइए सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए, अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं, लेकिन अरे बैठ जाइए आराम से, आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे, ये लोग इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो है? महिला को, अरे अरे, अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद तो महिला को पढ़ाए हैं, बोल रही हो, इसीलिए हम कह रहे हैं, चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोलो, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था, पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और ये सब की संख्या जो बढ़ी, तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था, उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, तो उनका जो भी था 14% वो रहा और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और यही नहीं, आप इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी दी और हर परिवार के बारे में जानकारी दी और उसमें पता चला कि 94 लाख और उसमें चाहे वो अपर कास्ट के हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको देखा गया।